दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है एक समुद्र से, जहां हमें फिल्म के लीड कैरेक्टर फिन को दिखाया जाता है, जो अपने फ्रेंड के साथ ऑरेलिया शिप को सर्च कर रहा होता है। यहां शिप खजाने से भरा है, जो कि साल 1715 में समुद्र में डूब गया था। समुद्र के अंदर जहाज का कोई सबूत नहीं मिलने पर फिन समुद्र की सतह में ड्रिल करने की सोचता है। फिन जिस ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करता है वह समुद्र के ऊपर तैर रही उसकी बोट पर रखी जनरेटर से कनेक्ट होती है, लेकिन जनरेटर से अचानक एक चिंगारी निकलती है जिससे बोट पर आग लग जाती है। बोट में आग लगने से एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके से समुद्र की सतह में वाइब्रेशन होता है और इस वाइब्रेशन से समुद्र की सतह की मिट्टी ऊपर उठती है, जिससे यहाँ फिन के हाथ में एक प्लेट का टुकड़ा लगता है। इस प्लेट के टुकड़े को देखकर फिन समझ जाता है कि ये प्लेट खजाने का ही एक हिस्सा है। फिन उसे पाकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि खजाना यही कहीं आसपास है। अब फिन अपने दोस्त के साथ समुद्र में ऊपर आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो जोरदार धमाका उसकी बोट पर ही हुआ था। दरअसल इन दोनों मूर्खों को अब तक यह पता नहीं रहता कि जो धमाका समुद्र में हुआ था वह उनकी बोट के वजह से हुआ था। यहाँ ये दोनों कुछ सोचते हैं, उससे पहले वहाँ एक बोट आ जाती है जिस पर दो लोग होते हैं। वे फिन को गन दिखाकर उसे अपने साथ अपने बॉस के पास ले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उनका बॉस एक गैंगस्टर है, जिससे फिन ने कुछ समय पहले पैसे लिए थे, और अब वह अपने पैसे फिन से मांगता है, लेकिन फिन के पास पैसे नहीं होते हैं। इसीलिए वह उसे प्लेट का वो टुकड़ा दिखाता है जो उसे समुद्र में मिला था। फिन उसे बताता है कि यह प्लेट उसी खजाने का हिस्सा है जो साल 1715 में समुद्र में डूब गया था। फिन गैंगस्टर से कहता है कि वह उस खजाने को ढूंढ सकता है, बस उसमें उसकी मदद चाहिए। लेकिन गैंगस्टर उस प्लेट के टुकड़े को मामूली प्लेट का टुकड़ा समझता है, इसीलिए वह अपने आदमियों को कहकर फिन को पानी में फेंकवा देता है। लेकिन यहाँ फिन किसी तरह बच निकलता है और वह वहाँ से सीधा कोर्ट भागता है, क्योंकि आज कोर्ट में उसका अपनी बीवी टेस के साथ डिवोर्स होने वाला है। लेकिन फिन को कोर्ट पहुँचने में देर हो जाती है, जिस वजह से जज उसकी बीवी टेस के फेवर में फैसला सुना देते हैं। कोर्ट पहुँचने पर फिन अपनी वाइफ को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती है, वो वहाँ से चली जाती है। अब फिन निराश होकर बाहर जाता है, जहाँ उसे उसका दोस्त मिलता है। वह फिन को बताता है कि पास में एक याच है जिसके अंदर निगेल नाम का एक अमीर करोड़पति रुका हुआ है। अगर तुम उसे मना लेते हो तो वो तुम्हें खजाना ढूंढने में फंडिंग कर सकता है। अब फिन निगेल तक पहुंचने का रास्ता पूछता है, जिस पर उसका दोस्त बताता है कि निगेल की एक बेटी है, अगर तुम उससे दोस्ती कर लेते हो तो तुम निगेल तक पहुंच सकते हो। अब फिन वहां से निकलता है और अपनी मोटर बोट लेकर निगेल के याच की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे निगेल की बेटी दिखाई देती है जो आइसलैंड की तरफ जा रही होती है। फिन उसका पीछा करता है, लेकिन तभी निगेल की बेटी की हैट हवा में उड़ जाती है, जिसके बाद फिन अपनी मोटर बोट से जम लगाकर उसकी हैट को बचा लेता है। लेकिन फिन की मोटर बोट को निगेल की बेटी का बोट टक्कर मार देता है, जिससे फिन पानी में गिर जाता है। निगेल की बेटी अपने आदमियों से कहकर फिन को पानी से अपनी बोट पर खिंचवा लेती है और फिर उसे याच पर ले जाते हैं, जहां निगेल फिन को अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करता है। रात को जब सब डिनर कर रहे होते हैं तभी वहां फिन की वाइफ टेस आ जाती है। दरअसल टेस निगेल का यहाँ जॉब कर रही होती है। जब टेस फिन को निगेल के साथ देखती है तो वह जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद फिन निगेल को सच बता देता है कि वो और टेस पहले पति पत्नी थे, लेकिन अब उनका डिवोर्स हो चुका है। यहाँ फिन और टेस निगेल को उस खजाने की कहानी भी बताते हैं। फिन बताता है कि साल 1715 में स्पेनिश जहाजों का बेड़ा राजा फिलिप के दहेज में मिले खजाने को लेकर जा रहा था। इन जहाजों में ऑरेलिया नाम का एक जहाज था, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हर तूफान का सामना कर सकता है। इसीलिए जब उस समय समुद्र में तूफान आता है तो राजा के आदमी पूरे खजाने को ऑरेलिया पर ट्रांसफर कर देते हैं। तूफान में सभी जहाज डूब गए, लेकिन इस घटना के 3 साल बाद आइसलैंड पर एक आदमी को देखा गया जो कि ऑरेलिया शिप का कैप्टन था। उस तूफान में वो बच गया था और उसने ऑरेलिया को कहीं छिपा दिया। यहाँ फिन निगेल को बताता है कि अब मुझे पता चल गया है कि वो जहाज कहाँ है, मेरे पास वो प्लेट है जो उस खजाने का हिस्सा था। फिन की पूरी बात सुनकर निगेल उस खजाने को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वे खजाने को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि गैंगस्टर ने उस पूरे आइसलैंड को खरीद लिया है, जिसके पास समुद्र के तल में फिन को वो प्लेट मिली थी। लेकिन फिन पानी के अंदर कूद जाता है और वो देखता है कि गैंगस्टर के लोग उस जगह पर डायनामाइट बिछा रखे होते हैं जहां वो प्लेट का टुकड़ा मिला था। अब फिन धीरे धीरे डायनामाइट के वायर को काटना शुरू कर देता है, लेकिन गलती से वह एक गलत वायर काट देता है, जिससे वहां एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और यहाँ गैंगस्टर का प्लान फेल हो जाता है। अगले दिन वो सब एक बार फिर से समुद्र की सतह पर खजाने को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता।
रात को सब निराश बैठे रहते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी निगल की याच का कैप्टन वहां आता है और निगल से कहता है कि समुद्र में तूफान आने वाला है, इसलिए हमें याच को नॉर्थ बीच पर ले जाना होगा क्योंकि वहां कोई भी चट्टान नहीं है और याच वहां सुरक्षित रहेगी। यहां कैप्टन की बात सुनकर फिन समझ जाता है कि नॉर्थ बीच ही वो जगह है जहां ऑरिलिया का कैप्टन ऑरिलिया को ले गया होगा। अब वे सभी नॉर्थ बीच पहुंचते हैं। फिन और टेस पानी के अंदर जाकर ऑरिलिया को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पानी के अंदर उन्हें स्पेनिश तोपे मिलती है और वे समझ जाते हैं कि ऑरिलिया के कैप्टन ने शिप को बचाने के लिए यहीं लाया था, जो कि बाद में यहाँ डूब गया। अब अगले दिन फिन और टेस दोनों इस बीच पर खुदाई करना शुरू करते हैं। इस खुदाई के दौरान उन्हें शिप से जुड़ी कई सारी चीजें मिलती है, लेकिन उन्हें खजाना यहाँ कहीं नहीं मिलता। अब ये दोनों इस आइलैंड पर मौजूद सालों पुराने चर्च में खजाना ढूंढने जाते हैं। उस चर्च के अंदर टेस को एक किताब मिलती है जिसमें ऑरिलिया नाम के एक महिला का कब्र का जिक्र होता है। वे समझ जाते हैं कि ऑरिलिया कोई महिला नहीं बल्कि यहाँ उसी शिप का जिक्र है। अब ये दोनों उस कब्र के पास जाते हैं जिसका किताब में जिक्र होता है। वे कब्र को खोदना शुरू करते हैं जिसके अंदर एक ड्रम निकलता है। उस ड्रम के अंदर कई सारे लेटर्स होते हैं जिसे उस शिप के कैप्टन ने लिखा होता है। सभी लेटर्स को पढ़ने के बाद फिन समझ जाता है कि कैप्टन ने खजाने को ब्लू होल में छिपाया है। ब्लू होल समुद्र से जुड़ी एक तरह की गुफा होती है जिसमें हमेशा पानी भरा होता है। ये दोनों ब्लू होल के पास पर पहुंचते उससे पहले वहां गैंगस्टर आ जाता है और यहाँ उनके बीच फाइट होती है। फिन और टेस किसी तरह यहाँ से बाइक लेकर भागते हैं, लेकिन तभी टेस बाइक से गिर जाती है और फिन बाइक लेकर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है जिससे ब्लास्ट होता है और टेस को लगता है कि इस ब्लास्ट में फिन मारा गया। यहाँ गैंगस्टर के आदमी टेस को पकड़ लेते हैं और उसे ब्लू होल के पास लेकर जाते हैं। यहाँ वो टेस के शरीर पर रस्सी बांधकर उसे ब्लू होल के अंदर भेजते हैं जहाँ नीचे तल पर उसे खजाना दिखता है। अब टेस अपने पेट से रस्सी खोलकर वही नीचे तल में पड़े स्पेनिश तोप से बांध देती है। तभी यहाँ पानी का बहुत तेज प्रेशर आता है जिससे टेस के हाथ से खजाने का एक बॉक्स छूट जाता है। पानी के प्रेशर से बॉक्स में रखे सोने के सिक्के पानी के साथ होल से बाहर आ जाते हैं। यहाँ गैंगस्टर समझ जाता है कि खजाना उसी होल में है। अब गैंगस्टर अपने दो आदमियों को उस होल के अंदर भेजता है। तब तक फिन भी वहां पहुंच जाता है और ब्लू होल में जम लगा देता है। अब एक बार फिर से यहाँ पानी का तेज प्रेशर आने वाला होता है, इसलिए तेज अपनी रस्सी के साथ फिन को भी बांध देती है। दूसरी तरफ गैंगस्टर के एक आदमी खजाने के एक बॉक्स को लेकर ऊपर आता है, जबकि उसका दूसरा आदमी पानी के प्रेशर से चट्टानों से टकराकर अपनी जान गंवा देता है। अब फिन और टेस ब्लू होल से बाहर आते हैं, जिसके बाद गैंगस्टर टेस को पकड़कर अपने प्लेन में बैठा लेता है। अब प्लेन को लेकर उड़ने वाला होता है, तभी निगल की बेटी वहां वाटर स्कूटर लेकर आ जाती है और वह फिन को उस पर बैठा कर उस प्लेन तक पहुंचा देती है। फिन प्लेन को पकड़कर लटक जाता है, जिसके बाद गैंगस्टर दरवाजा खोलकर फिन को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टेस उसे लात मारकर प्लेन से नीचे गिरा देती है। फिन अब ऊपर चढ़कर प्लेन में तो आ जाता है, लेकिन फिन को प्लेन उड़ाने नहीं आता, इसीलिए उनका प्लेन क्रैश कर जाता है, लेकिन संयोग से वे दोनों बच जाते हैं। इस कहानी के अंत में हम देखते हैं कि खजाना मिलने के बाद सब लोग बहुत अमीर हो चुके हैं। टेस और फिन साथ साथ हैं। टेस फिन के बच्चे की माँ बनने वाली है। इन्होंने स्पेनिश शिप के सारे खजाने को एक म्यूजियम में रख दिया होता है ताकि दुनिया भर से लोग इसे देखने आ सके। दोस्तों, इस मूवी का यहीं पर दी एंड होता है। मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। ऐसे ही और भी फिल्मों की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।